मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के पंडित नगला वार्ड 24 से बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती कमलेश सिंह लोधी पत्नी गजेंद्र सिंह लोधी ने अपने क्षेत्र में जनता से वोट मांगने की अपील की। उन्होंने कहा कि कमल के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाना है, जनता की सेवा करनी है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद गजेंद्र सिंह लोधी अपने वार्ड क्षेत्र में लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। जब हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि जीतने के बाद विकास कार्यों की नदी बहा दूंगा। विकास के दावे सरकार करती आई है, वह विकास पूरा करा कर रहूंगा। मुरादाबाद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। गजेंद्र सिंह लोधी, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी जगह है? पंडित नंगला वार्ड नंबर 24। अच्छा, क्या रणनीति रहेगी आपकी चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर जो आज तक क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, सर्वप्रथम उन पर जोर दिया जाएगा और विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। वार्ड में साफ स्वच्छता अभियान, समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करवाना, जिन गलियों में पानी भर रहा है उन गलियों को पड़वाना, और एक हमारे वार्ड का मुख्य एजेंडा है रामलीला ग्राउंड में पानी भर जाता है उसका सौंदर्यकरण करना, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। कौन चुनाव लड़ रहे हैं? ये महिला सीट है, मेरी पत्नी कमलेश सिंह लोधी। अच्छा, पिछली बार जो सरकार रही है, सरकार की जो रणनीति रही है उसमें क्या रणनीति रही है, और यहाँ के जो पार्षद थे उन्होंने क्या विकास कार्य कराए? हमारा अपना मुद्दा है, ये सब जनता जानती है, हम इसे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो आज तक 25 सालों में भूतपूर्व में रहे सभी पार्षद नहीं कर पाए, उनसे जनता ग्रस्त है बहुत, हम उन्हीं विकास कार्यों को लेकर पब्लिक में जाएंगे और उन्हें पूरा करेंगे। तो 4 मई को वोटिंग होनी है, तो अपने वार्डवासियों किस तरह की मतलब क्या चाहते हैं वार्डवासियों से? मैं अपने क्षेत्रवासियों के प्रत्येक वर्ग से ये उम्मीद करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि 4 मई को अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, कमलेश सिंह लोधी के पक्ष में मतदान करें, योगी मोदी के हाथों को मजबूत करें और देश को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में विकसित देश बनाने में अपना योगदान दें। सरकार ने जब से बीजेपी की सरकार आई है विकास कार्य में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार की बहुत जन लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीब के घर बनवाए, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं से जिन लोगों के घर नहीं बनते थे मोदी योगी जी के द्वारा दिए गए आवास से गरीब के घर को छत मिली है, खाने को राशन मिला है और इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना दिए गए जिससे 5 लाख तक का इलाज फ्री है, बहुत किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है। अच्छा, जनता के बीच आप जा रहे हैं तो जनता में कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? जनता भरपूर सहयोग कर रही है, प्रत्येक समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है और ईश्वर ने चाहा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीत के हम पार्टी को समर्पित करें। तो 4 तारीख को तुम्हारे की मतदान है, क्या कहना चाहेंगे अपने वोटरों से कैबिनेट निकलने के लिए? अपने वोटरों से मैं अपील करता हूँ कि